मोमेंट ऑफ इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है, हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं। आज आईटीएम 2021 में एक क्वेश्चन आया था, एमएसक्यू सेक्शन में, यानी कि हमारे सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आया था जिसके वन और मोर देन वन आंसर जो है हमारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एक क्वेश्चन है, उसमें बच्चों का कहना है कि उसमें थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा और ऑफिशियल आंसर की में उसका आंसर वो ऑप्शन का करेक्ट नहीं है। तो अभी कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए। तो क्यों ना उसका एक बार सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस कर लें, ताकि बच्चे खुद डिसाइड करें कि उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज सारी बातें हम लोग जो है उस क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन देखा कि हमारा आईटीएम 2021 का कौन सा क्वेश्चन था जिसका हम लोगों को आज डिस्कशन करना है उसके सॉल्यूशन का। तो डिस्कशन हमारा ये है कि उसके चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो बच्चों का क्या कहना है। तो एक ए ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री, और बी एक ऑप्शन है, सी एक ऑप्शन है, और डी हमारा है आई नॉट इज इक्वल टू 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर और आई पी इज इक्वल टू 20 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है उन्होंने। तो आंसर की में सिर्फ जो है आंसर की में जो करेक्शन दिया है डी ऑप्शन दिया हुआ है, और जो बच्चों का कहना है कि ए भी होगा। बच्चों का क्या कहना है, मैंने भी जो आंसर की एक्सपेक्टेड वो जो बताया था सॉल्यूशन, उसमें भी मैंने कहा था कि थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा, और इसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था, मैंने उसका सॉल्यूशन क्या किया था, और ये इसका हमारा 125 डिग्री होगा कि नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बीम है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली, हमारी एक बीम है वो आ रही है यूं करके हॉरिजॉन्टली, जिसमें अनपोलराइज कंपोनेंट भी है और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और पोलराइज कंपोनेंट है उसकी इंटेंसिटी आईपी है। तो आई नॉट और आईपी तो हमारा ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ओरिएंटेड एट एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ये बना लेंगे, ये वर्टिकल है हमारा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पर एक बीम ऑफ लाइट हम लोगों ने यहां पर ऐसे डाली है जिसमें अनपोलराइज और पोलराइज कंपोनेंट है। तो अनपोलराइज लाइट को कैसे भी घुमा दो और जो हमारा पोलराइजर हो, पहले मैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लूं। यदि हमारी अनपोलराइज लाइट है वो आपको मालूम है पूरी ऐसे ऐसे करके आती है, चारों तरफ से उसकी आती है, तो आप पोलराइजर को किस भी एक्सिस से घुमाओ जो आपको मिलेगी उसी जिस एक्सिस पर हमारा उसकी बात शक्ति होगी पोलराइजर की, उसी पर वो जो है पोलराइज करके और इंटेंसिटी को आधा करके, टोटल की अगर आई नॉट होगी तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू करके हमारा पोलराइजर उसी एक्सिस के अलोंग जो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पर आपको दे देगा। ये काम होता है पोलराइजर का। वही पोलराइजर अगर पोलराइज लाइट उस पर फॉल होती है, तो अगर उसके 90 डिग्री एक्सिस पर लाइट फॉल होती है तो अंधेरा रहता है, कुछ लाइट उधर पास नहीं होती, इंटेंसिटी जीरो होती है। अगर हमारी 0 डिग्री पर यानी कि 180 डिग्री पर एकदम पैरेलल पास हो तो पूरी दिखती है, अदरवाइज उसके जो एंगल होते हैं उनके कॉस स्क्वायर पर एंगल के डिपेंड करती है। दिस इज लॉ ऑफ मेलस, आई इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, ये दो चीजें मालूम है। अभी क्या है, उसने जो हमें बताया है, उसने क्या बताया हमें कि क्वेश्चन में कि हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज ओरिएंटेड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। देखिए अनपोलराइज लाइट का तो हमारा कोई प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा नहीं, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमारा होगा पोलराइज लाइट का, ठीक है। तो उसको हम लोग जरा समझते हैं। तो मैंने एक आप लोगों के लिए अच्छी सी ड्राइंग, खराब सी ड्राइंग बना के रखी है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों के आसान रहेगी। ये मैंने बनाया है, ये रेड कलर की हमारी वेव जो है प्रोपोगेट कर ली है, पोलराइज लाइट है, उसका पोलराइजेशन ये हमारा वर्टिकल है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का हमारा प्लेन है, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। अगर यहां पर हमने यू रख दिया और यू 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 हमारा ये कैसे भी वेरी कर सकता है, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई आई थिंक इसका काम हो गया है।
अब इस प्लेन को आप समझ सकते हो, ये किसी एंगल पर थीटा पर है, वाई से ये प्लेन क्या बना रहा है, इधर वाई थीटा, और वाई एक्सिस से ये हमारा इधर कैसा भी हमारा थीटा हो सकता है। थीटा के बारे में जो दे रखा है, तो ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का जो प्लेन है उसके बारे में हमारा दे रखा है, यानी कि थीटा हमारा दिस इज प्लेन ऑफ, कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम थोड़ी नहीं है, यही तो निकालना है। अगर अगर हमारा थीटा 125 डिग्री आ जाए तो भी अच्छा ही है, तो ऑप्शन होगा। अगर 125 नहीं आता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। उसके बाद जो हमारा यहां पर दे रखा है कि जो हमारी टोटल जो इंटेंसिटी का जो ग्राफ दे रखा है, टोटल इंटेंसिटी का दे रखा है और एंगल अल्फा का दे रखा है। अच्छा, ये जो एंगल अल्फा है, देखिए यहां पर दो एंगल का खेल है, ग्राफ हमारा, बच्चों बच्चे कंफ्यूज यही हो रहे हैं कि वो उन्होंने ग्राफ थीटा के उससे दे रखा है, थीटा अल्फा और आई टोटल के बारे में के वर्सेस में हमारा दे रखा है, ठीक है, अल्फा एंगल के हिसाब से। तो अल्फा एंगल क्या है, जो पोलराइजर बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है, अल्फा एंगल के बारे में समझ लीजिए, जो पोलराइजर बना रहा है हमारा उससे बना रहा है, जो पोलराइजर हमारा बना रहा है वर्टिकल से। तो सबसे पहले ग्राफ के हमारे दो पॉइंट निकल कर आएंगे, तो ग्राफ में जब आप चेक करोगे, जब अल्फा बराबर 125 डिग्री होगा तब हमारा मिनिमम है, और जब हमारा अल्फा बराबर 35 डिग्री होगा तब हमारा मैक्सिमम है। मिनिमम है तो इसका मतलब अकेले हमारा अनपोलराइज जो है पास कर गया है, तो दैट इज हमारी आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसको आधा कर दिया होगा उसने, और मैक्सिमम है तो आई नॉट बाई टू आई होगी और आईपी पूरा का पूरा आ गया होगा हमारा, तो अल्फा बराबर 35 डिग्री पर, क्लियर है। जब हमारा सपोज करिए हमारा ये हमारा पोलराइजर है, और पोलराइजर से ये हमारा, जैसे सपोज करिए दिस इज हमारा पोलराइजर, तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से वाई, ये हमारा जो बन रहा है 125 35, अलग अलग तरीके से हमारा ये एंगल इस हिसाब से बन रहा है। तो 125 अगर हम लोग एंगल बनाए इस पोलराइजर को, मैं अगर इसको पोलराइजर को अगर उससे डबल उससे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये हमारा 125 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है ये ऊपर का 90 है, तो नीचे वाला ये जो हमारा होगा, ये नीचे वाला हमारा एंगल कितना होगा, 90 और 35 डिग्री हमारा एंगल होगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ये बताइए, जब 125 हमारा अल्फा है तब हमको पोलराइजिंग लाइट हमको नहीं मिल रही है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मेलस के हिसाब से सोचना है कि हमको पोलराइजिंग लाइट कब नहीं मिलेगी। हमको जैसे हमारा ये पोलराइजर है और यहां पर इसके जस्ट परपेंडिकुलरली अगर ये आएगा तो ये हमारी पूरी रुक जाती है, यही लॉ ऑफ मेलस कहलाता है। तो इससे 90 डिग्री हम लोगों का ये बनेगा, तो देखिए इससे 90 डिग्री हमारा ये जो बनेगा, तो हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इससे हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो हमारा जब आप देखोगे तो आ जाएगा 35 डिग्री, क्लियर है। तो यहां से ये जो थीटा आएगा ये हमारा कितना आएगा, 35 डिग्री। अच्छा, ये बात हो गई, लेकिन इसमें जो 125 डिग्री कंफ्यूजन है वो कहां से क्रिएट हो रही है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जब आप इसको यहां पर बहुत से बच्चे, मुझे दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ गई, मैंने इसको इधर से देखा, इधर से भी देखा, तब भी जो है मतलब ये जो है 100 अगर हमारा वो होता है 45 होता, यानी कि 135 होता, तब तो जो है उनको देना पड़ जाता मजबूरी में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 125 दिया है, तो अगर उधर से देखते तो 90 हमारा ये हो जाता, ये प्लेन का अगर मतलब ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, तो 90 तो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता, और जो इधर बढ़ेगा तो दिस इज 35, ये हमको पता चल गया भाई ये हमारा ये था, इससे 90 डिग्री हमारा, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हम लोग इसको वापस जाएंगे तो 35 तक यहां आ गए, तो हम लोग यहां पर कितना और चलेंगे, 35 में हम लोग चलेंगे 55, तो 55 जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर से 35 बचेगा, यहां से 55 जब यहां से यहां आ गए 55, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक हमारा कितना बचेगा, 35 बचेगा, क्लियर है। लेकिन इसका जब हम लोग यहां पर देखेंगे दिस 35, तो ये भी हमारा 35 होगा, ये हमारा 55 होगा कहीं ना कहीं, तो वो जल्दबाजी में मैंने 90 और वो 55 ऐसे नहीं सोचा, मैंने सोचा इधर से भी बराबर है उधर से बराबर है, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में 135 वाला लॉजिक था, तो जिसकी वजह से मैंने जल्दी उसमें जो है इसको बता दिया, क्योंकि मैंने इसको ओरली सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब आंसर की नहीं आई तो मैंने सोचने मजबूर हुआ भाई वो गलत क्यों है, तो हमारे ये कितना है 90 बजाय 145 डिग्री हमारा है, यानी कि एक तरफ से 145 बन रहा है और दूसरी तरफ से हमारा बन रहा है 35 डिग्री, एक तरफ से हमारा कितना बन रहा है 145, एक तरफ से हमारा बन रहा है
35 डिग्री, ठीक है। ये जो हमारा इधर है वाई वर्टिकल से इस तरफ 35 है और इस तरफ 145 है। अगर ये क्वेश्चन हमारा होता 135 का होता तो एक तरफ से 135 बनता, एक तरफ से 45 बनता, तब कहीं ना कहीं हमारा वो फंस जाता कि तो थीटा इधर से, कोई बच्चा ये कह सकता था कि भाई मैंने एंगल जो है उधर से देखा है, मैंने एंगल उसको उधर उस साइड से देखा है, भाई वर्टिकल से एंगल बोला है ऐसा तो नहीं बोला है, प्लस वाई एक्सिस से वर्टिकल से हमारा इधर एंगल हम लोग ये लेंगे 35, कोई थी बच्चा कोई यूं ले लेता तो क्लेम कर सकते थे आपकी नहीं भाई मैंने इधर से लिया है। लेकिन तब भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, वजह क्या थी भाई, अल्फा तो तुम यूं ले रहे हो, अल्फा यूं ले रहे हो यानी कि क्लॉक वाइज में, तो जाहिर सी बात है थीटा क्यों ले रहे हो, उधर साइड क्यों ले रहे हो, अगर एक तरफ से एंगल को तुम चूज कर रहे हो, घुमा रहे हो कि भाई हमने अल्फा को क्लॉकवाइज लिया है तो थीटा को भी तो क्लॉकवाइज लेने का हक बनता है। तो ये था, इससे जो है आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि थीटा हमारा 125 डिग्री नहीं है, अल्फा जब 125 होगा। आप उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, इतनी वीडियो देखने के बाद आपको एकदम इजिली से क्लियर हो जाएगा, जब अल्फा हमारा 125 होगा तब हमारा क्या होगा, जब अल्फा 125 होगा तब हमारी लाइट मिनिमम होगी, मिनिमम होगी तो लाइट की बात है पोलराइजिंग नहीं जाएगा, पोलराइजिंग वाली जो हमारा ये जो प्लेन है ये तभी नहीं जाता है कि जब हमारा इसके 90 डिग्री हो, ये अगर हमारा पोलराइजर है तो पोलराइजर पे ये जब हमारा 90 डिग्री पे फॉल यू करके ऐसे फॉल होगी तो ये हमारा पास नहीं होता है, जब इसी की यू प्लेन में आती तो पूरी पूरी हमारी पास हो जाती है। अगर किसी थीटा एंगल पर है तो ये हमारा cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल रहता है, और पूरा 90 डिग्री अगर हमारे इस तरीके से पास होके आ रहा है तो पूरा का पूरा हमारी ये पोलराइजर का काम ये होता है, ये इसको रोक देता है, ठीक है। तो पोलराइजर का हमारा फंक्शन यही है। तो 90 डिग्री तो जब ये 125 है तो 90 डिग्री वापस आएंगे, 90 डिग्री वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है 35 ही हमारा बचेगा। तो इस लॉजिक से हमारा थीटा क्या आ रहा है, 35 डिग्री आ रहा है। तो आंसर की डी दी हुई है ऑफिशियल, तो बदलने का तो कोई चांसेस नहीं लग रहा है। आई होप कि मेरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, आप इससे सहमत हैं, और अगर किसी को अप्लाई करना है तब भी तो वो तसल्ली के लिए कर सकता है, मेरे हिसाब से पैसे बर्बाद करना होगा क्योंकि रिफंड नहीं मिलता है। अगर आंसर की चेंज होगी तभी रिफंड मिलेगा, आंसर की चेंज नहीं हो रही है, आप जो प्रूफ दे रहे हो कि भाई इसका ये सॉल्यूशन है, इस बुक में हमारा ये दिया हुआ है, मैंने इस तरह से किया है, तो आपको रिफंड मिलेगी जब वो आंसर की चेंज करेंगे। जब आंसर की चेंज नहीं होती है तो वो जो भी फीस होती है वो जब्त हो जाती है, वो वापस नहीं मिलती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुश्किल है वापस मिलना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। और जिन भी बच्चों ने ए लगाया है तो बैड लक, कोई बात नहीं, इतना एक दो मार्क्स से टेंशन नहीं लेते, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये हो गया, क्लियर है। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया। मेरे दिमाग में जो उस दिन गड़बड़ी हुई वो यही वाली हुई, एक तो मैंने उधर से लिया, यही गलती थी। मैं एक स्टूडेंट है हितेश नाम का, उससे मेरी बात हुई, तो वो अगर इस वीडियो को सुन रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता भी देगी, सर हाँ बात हुई थी मेरे, उससे कॉल पे बात हुई थी, मैंने उससे कहा था कि उसमें हम लोग इधर से एंगल ले रहे हैं एक तरफ अल्फा और थीटा को उस तरफ ले रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो मैं 125 को 135 ही समझ रहा था। फिर जब मैंने उसको जब आंसर की आई फिर मैंने कहा नहीं आया है, तो तब मेरे लॉजिक आया रहा ये तो 45 नहीं है, वो मैं 90 + 45 को 125 समझ रहा था, वो मैं इसको बीच वाला ये समझ रहा था, वो बीच में नहीं है, वो उधर के तरफ है 45 हमारा कुछ कहीं यहां पर हमारा यहां आ रहा है, जो बीच वाला हमारा है वो कुछ यहीं यहां पर कहीं लाई कर रहा है, तो वो मैं इस तरह से एंगल जो है माने ले रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया है, सारी चीजें समझ में आई है। तो बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके से जैसे मैंने आज एक्सप्लेन करा है, हर चीज को मैं ऐसे ही आईटीएम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आईटीएम की तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी और मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप या जीमेल में कहीं पर भी आप मुझको, या इंस्टाग्राम में जहां पर भी आपको लगे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे आईटीएम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जस्ट के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझको डेफिनेटली मैसेज करेंगे। और काम की वीडियोस बहुत सारी पढ़ाने की और इंफॉर्मेशनल वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी और मैं करता रहूंगा, तो जाहिर सी बात है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सपोर्ट जरूर करें, मुझको लाइक कर दें वीडियो को और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक सही सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से बच्चों की आईटीएम सीरीज के बच्चों की हेल्प करने के लिए, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है मेरी नजर में, कोई ऐसा YouTube चैनल नहीं है जो बच्चों को इस लेवल पर हेल्प करता हो, तो एक ये कोशिश है आप लोगों के लिए, आप लोग के सपोर्ट से ही मैं सारी एनर्जी आती है। अगर मैं इस वक्त आपको टाइम बताऊं तो इस वक्त रात के
2:32 हो रहे हैं, यानी कि 2:32 इस वक्त रात का हमारा टाइम हो रहा है, 2:32 इस वक्त हमारा, याद रखिए 2:33 हो गया है, तो रात के 2:33 हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मॉर्निंग में फिर क्लास है, तो चलते लाइक जरूर कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझको जरूरत है, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय विजिक्स। Thank you.